तो नई जॉब आ चुकी है मेरे भाइयों के लिए। वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल इंजीनियर शर्मा जी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे रिक्रूटमेंट पे है कि एक सिविल इंजीनियर की जॉब निकली है, उसके बारे में मैं सब बताता हूँ। HD फायर प्रोटेक्ट में जो जॉब है इसका सब मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, क्या क्या बेसिक डिटेल है, क्या क्या मांगा है, कितना एक्सपीरियंस है, सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना और उसके बाद अप्लाई का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। के पास ले चलता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ उसकी डिटेल वगैरह। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट पे, जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ है क्या क्या। देखो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट, जैसे पहले मैंने अपने कंपनी का नाम देखा तो जो डेजिग्नेशन है वो है सिविल इंजीनियर की, ठीक है। प्रोजेक्ट है मतलब सिविल साइट इंजीनियर की है। ग्रेड आपको क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करना पड़ेगा, ये इनकी पहली शर्त है। एक पोस्ट है मेल चाहिए उसके लिए, इंडस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी है उन्होंने वो मांगी है BE सिविल, और जो नेचर है एक्सपीरियंस का वो 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, आपको अगर नॉलेज है, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे उसमें मेंशन करोगे ये मेरे को आता है, तो आपको भी कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए। तो मतलब ये नहीं है कि 1 से 2 साल जिनका एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एक्सपीरियंस कम है मतलब 6-7 महीने का है, जो जहाँ जिनको नॉलेज है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज किस चीज़ का चाहिए इनको, जो बिलिंग का होता है और जो परचेजिंग और कंट्रोलिंग मटेरियल, मतलब बेसिकली साइट का काम रहेगा आपका, जो एग्जीक्यूशन का काम रहता है, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी दूसरी है, ये इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है लेकिन है उसी में काम, लेकिन आप घुस सकते हो अगर आपको काम करना है, पेंटिंग शॉप सुपरवाइज़र। इसके लिए जगलून महाराष्ट्र में ये है, 2 से 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएट होगा कोई भी, और जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो 2 से 3.5 लाख रुपया वो कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, देखो शॉप पाउडर कोटिंग एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, उसको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है परचेजिंग इंजीनियर का, जिसको परचेजिंग वगैरह करना है, जिसको मशीन वगैरह का नॉलेज हो, और ग्रेजुएट चाहिए इनको, जहाँ DME होना चाहिए, और फिर 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, और सैलरी कितनी दे रहे हैं, 7.5 लाख का पैकेज रहेगा साल का आपका, और ये बेसिक नॉलेज आ गया। ये सब जो डिटेल है सब आप जाके पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसी जैसे मैंने आपने प्रोसेस देखा ही कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको ये पेज खुलेगा, उसके बाद यहाँ अप्लाई नो लिखा है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपका डायरेक्ट वो पेज खुल जाएगा। डायरेक्ट इसमें कोई आपको ना फ़ी देनी है, ना कहीं घूमने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं कुछ, सिर्फ आपको अप्लाई नो पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज खुलेगा। जैसे ये खुल गया उनका बेसिक पेज HD फायर प्रोटेक्ट, वहाँ पे आपको फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पोजीशन किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, क्वालिफिकेशन, और अपना CV अच्छा सा बना के उसमें डाल देना है। और हमेशा याद रखना CV में वही चीज़ें डालनी है जो आपको आती होंगी, क्योंकि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पुटअप होंगे वो उसी बेसिस पे होंगे, उसको देख के ही आपके इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे। कभी भी एक्स्ट्रा आइटम्स उसमें नहीं डालनी है जो आपको, जिनका नॉलेज नहीं है, जिनके बारे में पता नहीं है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो जो लोग नहीं है, क्योंकि हमारी जॉब्स की वीडियो, इंटरव्यू की वीडियो काफ़ी सिविल के रिलेटेड काफ़ी इस चैनल पे आपको मिलेगा। थैंक यू।